हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8B का थर्ड क्वेश्चन से। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकेंड तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ सके। तो देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान उसको कहते हैं जिसमें ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। परिमाप का फार्मूला जो होता है वर्ग का, परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। आप देखिए, जो वर्ग का परिमाप यहां पूछ रहा है तो इसका फार्मूला जो होता है 4 गुणे भुजा। अब यहाँ 4 गुणे भुजा का मतलब हमको भुजा जानना जरूरी है, तो भुजा के लिए ही हम यहाँ से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, पहले समझिए। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, माना मैदान की एक भुजा बराबर एक्स मीटर, हमने मैदान की जो एक भुजा है इसको मान लिया एक्स मीटर, तो जब ये एक्स होगा तो ये सब एक्स ही होंगे, वर्ग है तो हमने भुजा इसलिए माना, हमको परिमाप निकालना है। परिमाप के फार्मूला में भुजा होता है तो भुजा हमको जानना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग मैदान की एक भुजा मान लेंगे एक्स मीटर। अब जब भुजा हमने मान लिया, यहाँ क्षेत्रफल दिया तो पहले हम इससे क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए मैदान का क्षेत्रफल जब हम लोग यहां से निकालेंगे तो क्या होता है, किसी भी वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमने एक्स मान लिया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ये आप लोग ध्यान देंगे, मैदान की एक भुजा इतना है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का फार्मूला वर्ग के। तो भुजा का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया, इसको लिखते हैं क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, यहां मैदान का क्षेत्रफल दे दिया इतना, हमने मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया इतना, तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसी मैदान का क्षेत्रफल ये दिया है और इसी मैदान का क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया है। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इक्वल 225। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, यही भुजा है, भुजा रहेगा तभी परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब निकालना है तो स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 225। अब एक्स इक्वल 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा 15। अब देखिए, हमको यहां से एक ही कोई संख्या लेंगे यहां से इसको सॉल्व करने के लिए, परिमाप में भुजा जो है तो कौन सा लेंगे, प्लस 15 की माइनस 15। तो हम लोग जानते हैं कोई भी लंबाई या भुजा माइनस में नहीं होता है, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा चूंकि भुजा ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x इक्वल हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस 15 वाला ले लेंगे।
इसलिए x इक्वल हम लोग ले लेंगे ये 15। अब ये जब हमने ले लिया है x का वैल्यू आ गया, मीन्स मैदान की एक भुजा निकल गई 15। अब हमको परिमाप का फार्मूला यहां लिखना है, लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, जो हमने यहां फार्मूला लिखा है। तो देखिए 4 गुणे और भुजा हमने माना था, देखिए x को, x का वैल्यू आ गया 15, तो 4 गुणे भुजा की जगह पर लिख देंगे 15, गुणा कर लेंगे तो 60 ही हो गया। परिमाप लंबाई होता है, इसलिए इसको लिखेंगे मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिया कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि 144 शिक्षार्थी हैं और उनको ऐसे खड़ा करना है कि जितने पंक्ति हों प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी भी हों। तो पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो हम मानेंगे क्या, इसमें माना ये जो पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, यही मान लेंगे। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, हमने पंक्तियों की संख्या जो पूछा है इसको मान लिया हमने x। तो अब देखिए, और कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी भी होंगे जितनी पंक्ति होगी। तो अगर मान लीजिए पंक्तियों की संख्या x हो गया, तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी कितने होंगे, जितनी पंक्ति होगी उतने ही शिक्षार्थी भी होंगे। तो इसलिए लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या बराबर भी x होगा। क्यों, देखिए कह रहा है कि इस प्रकार खड़ा करने प्रत्येक पंक्ति में, हमने पंक्तियों की संख्या x मान ली। आप देखिए प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी होंगे, प्रत्येक पंक्ति में कितने शिक्षार्थी होंगे, उतने ही शिक्षार्थी होंगे जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या जब हमने x मान लिया, कह रहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी होंगे जितनी पंक्तियां हैं, यानी शिक्षार्थियों की संख्या भी क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी, दोनों समान है। तो अब जब ये हमने दोनों निकाल लिया, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या, यहां देखिए शिक्षार्थियों की कुल संख्या दे दिया, तो हम यहां से निकाल सकते हैं शिक्षार्थियों की कुल संख्या बराबर, देखिए जो शिक्षार्थियों को 144 कुल शिक्षार्थी दिया है, हमने प्रत्येक पंक्ति की संख्या कुल मान लिया है x, और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी उतने ही हैं जितने पंक्ति हैं, तो ये भी x। अब अगर शिक्षार्थियों की कुल संख्या हम निकालें इस मानने वाले के हिसाब से, हमने यहाँ तो 144 दिया ही है शिक्षार्थियों की संख्या, लेकिन यहाँ से शिक्षार्थियों की संख्या क्या होगा, शिक्षार्थियों की कुल संख्या क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणे शिक्षार्थियों की संख्या, दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे x गुणे x, तो ये क्या हो जाएगा शिक्षार्थियों की कुल संख्या। और यहाँ देखिए शिक्षार्थियों की कुल संख्या 144 दिया भी है, तो हम लोग प्रश्न के अनुसार अब क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार ये भी देखिए शिक्षार्थियों की कुल संख्या है और ये भी शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि दोनों समान हैं, तो हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल लिख देंगे क्या 144। एक्स का हमको वैल्यू निकालना है, इधर करेंगे तो वर्गमूल होगा 144 का, तो एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 12।
अब हम लोग प्लस 12 लेंगे कि माइनस 12। एक्स देखिए क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ही पूछा है, तो कोई भी पंक्ति होगा, गिनती जब होगा तो माइनस में तो होता नहीं है, तो यहां लिखेंगे क्या, चूंकि पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x इक्वल लिखेंगे प्लस 12। और ये क्या है, पंक्तियों की संख्या पूछा था, तो हम लोग आंसर क्या लिख लेंगे, लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 12, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग अगला और इस 8B का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया किसी संख्या के वर्ग का 3 × 192 संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है वही मान लेते हैं हम लोग, माना संख्या बराबर x, हमने संख्या पूछा है तो संख्या को मान लिया x। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखते हैं क्या, प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लेते हैं, प्रश्न के अनुसार देखिए कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का, वर्ग का मतलब होता है, हमने ये चैप्टर 2 में वर्गमूल में बताया था, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घात 2 लगा देंगे। तो कह रहा प्रश्न के अनुसार किसी संख्या के वर्ग का, संख्या हमने एक्स माना, तो किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, अब किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना मीन्स 3 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना है वो 192 है, कितना है वो बराबर, कितना है 192। तो ये हमने समीकरण बना लिया प्रश्न के अनुसार। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना कितना है, 192 है। तो हमने इसको मैथ के भाषा में लिखा, अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे जो संख्या पूछा है। आप लोग जानते हैं x स्क्वायर इक्वल k के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 3 को हमको इधर भेजना होगा, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो x स्क्वायर इक्वल 192/3 हो जाएगा। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल ये इधर आएगा तो स्क्वायर तो रूट में होगा, तो x इक्वल जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा वर्गमूल, ये x इक्वल प्लस माइनस 8 हो गया, यही इसका वर्गमूल हो गया, यही संख्या हो गया। पूछा था किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना इतना संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आप लोग जानते हैं प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो प्लस और माइनस के साथ ही 8 हुआ, यही आंसर लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ 8 का भी, अब अगले पार्ट में आप लोग 8 का सी देखेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए क्या कहा जा रहा है, तभी बात सारी समझ में आएगी और आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।